हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेट रखते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इन MCQs को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर ब्लैंक दे रखा है, सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट एंड हिज ऑब्लिक हर रिलेटिव्स। तो डायट्री सर्विसेज, मेडिकल सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट, नर्सिंग सर्विसेज या सेंट्रल स्टराइल सर्विसेज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CSSD। तो दोस्तों, CSSD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में सेंट्रल स्टराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इंडिया इस्टेब्लिश्ड इट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन, इंडिया इस्टेब्लिश्ड इट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन 1947, 1948, 1950 या 1976। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द नेशनल गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन। तो दोस्तों, जो नेशनल गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो कब किया था? 2002, 2005 या 2000 में या 1996 में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। दोस्तों, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन उन्होंने लॉन्च किया था नेशनल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं, इन इंडिया द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, ब्लैंक दे रखा है, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों ही लेवल्स इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द एम ऑफ, ब्लैंक दे रखा है, इज टू डॉक्यूमेंट ड्रग्स बाय एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, नर्सिंग सर्विसेज और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इज अ पार्ट ऑफ, ब्लैंक दे रखा है, हेल्थ केयर। तो दोस्तों, यह कौन सी हेल्थ केयर का पार्ट है? प्राइमरी हेल्थ केयर का, सेकेंडरी, टर्सरी या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इज अ पार्ट ऑफ, जो दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है वो किस प्रकार का पार्ट है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी, यानी पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ब्लैंक दे रखा है, आर द फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड लोकल कम्युनिटी। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स या रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सब सेंटर्स इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का है, वो है दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी चैप्टर नंबर 2। तो दोस्तों, इसके MCQ जो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं, हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों, हमें 2 क्वेश्चंस और कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों, द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंसिस्ट्स ऑफ लिस्ट ऑफ, ब्लैंक दे रखा है, इन हॉस्पिटल। तो इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स, स्टाफ, पेशेंट्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंसिस्ट, जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है वह रखती है अपने पास, क्या रखती है? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन हॉस्पिटल्स। जो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसकी लिस्ट को अपने पास रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज इन डिस्पेंसिंग एरिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके तहत हमने टॉप 10 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं जो दोस्तों हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेट रखते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।